वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने अपनी बाइक में कुछ मॉडिफिकेशंस की थी जब ये मैंने बाइक ली थी। तकरीबन 3 साल होने वाले हैं इस बाइक को मेरे पास, और टूरिंग के हवाले से कुछ इसके अंदर मैंने मॉडिफिकेशंस की थी जिनको ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। तो मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि जो चीज़ें मैंने इसके अंदर लगाई हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक मुझे फ़ायदा दे रही हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़लेस थी या ख़राब हो गई। तो ये मेरी यामा YBR 2017 का मॉडल है। ये मैंने दिसंबर 2019 में परचेज़ की थी, 6700 किलोमीटर चली थी, और अभी अलहमदिल्ला ये तकरीबन 32-33 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। तो ये इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉक्सेस लगे हुए हैं और लाइट्स वगैरह हैं, फ्रेम वेम है। तो फ्रंट से शुरू करते हैं सबसे पहले। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर LED लाइट्स जो लगाई हैं मैंने, ये HJG कंपनी की LED लाइट्स हैं। ये स्पॉट लाइट्स होती हैं बेसिकली, और इनको बोलते हैं 2 LED क्री स्पॉट लाइट्स। अच्छा, ये स्पॉट लाइट्स हैं, ये अपना जो थ्रो है इनका वो दूर पड़ता है, फैला हुआ थ्रो नहीं होता, बिल्कुल स्पॉट की तरह दो थ्रो मारती हैं। और वैसे सिटी में मैं इन लाइट्स को यूज़ नहीं करता, तो इतनी ज़्यादा ये यूज़ हुई नहीं है, सिर्फ ट्रिप्स के ऊपर यूज़ हुई है। लेकिन ट्रिप्स भी खैर मैंने बहुत किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों के अंदर। तो इन लाइट्स की जो क्वालिटी है वो अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। 19-20 का फ़र्क आया होगा थ्रो के अंदर, इसकी जो इंटेंसिटी है उसके अंदर। बाकी लाइट्स अभी भी ये बिल्कुल बेहतरीन चल रही हैं, 2 साल हो गए, वाटर प्रूफ, बारिश, हर किस्म के उसमें मैंने चलाया इनको, तो बेहतरीन है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट के अंदर मैंने नाइट आई का नॉर्थ साइड नाइट आई की LED लाइट लगाई थी, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रही है। अच्छा, ये पेयर में आती है, और आजकल वैसे सिंगल में भी मिल रही है, तकरीबन 2000 रुपये 2200 रुपये की आजकल है। तकरीबन 2 साल पहले मैंने ये डाली थी अपनी इसमें हेडलाइट में, तो उस टाइम पे भी ये 2000 रुपये की थी। और ये जो पेयर है ये मैंने 1400 रुपये का लिया था, अभी शायद 1600 रुपये का या 1800 रुपये का, कन्फर्म नहीं है मुझे, लेकिन इतने 2000 के अंदर अंदर ही है इसका पेयर का रेट। उसके बाद ये हैंड गार्ड्स लगाए थे, हैंड गार्ड्स मैंने लगाए थे इसलिए कि मैंने सोचा था कि यार सर्दी के अंदर जो है हवा से हाथों को महफूज रहेंगे, ठंडे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। हाथ भाई ठंडे होते हैं, हवा लगती है हाथों में साइडों वाइडों से, और सर्दी में हाथ ठंडे होते हैं। लेकिन हाँ, एक फ़ायदा इनका वो ये है कि आपके ग्लव्स वगैरह जो आपने पहने होते हैं वो गंदे नहीं होते डस्ट से, तो बस ये एक फ़ायदा है। और लुक वाइज अच्छा लगता है ये YBR के अंदर, तो इसलिए अभी भी लगे हुए इसके अंदर। सेकेंड, ये आप देख रहे हैं सेफ गार्ड, ये सेफ गार्ड को भी मेरे पास तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं। ये सेफ गार्ड मैंने तकरीबन 3500 रुपये का लिया था, और आजकल भी तकरीबन यही रेट हैं सेफ गार्ड के, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया प्राइस में। और क्वालिटी की बात की जाए इसकी, तो कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि यार टेढ़ा हो गया गिरने के बाद, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ नहीं है। 2-3 दफ़ा बाइक ऐसी नॉर्मल सी गिरी है, जैसे खड़े खड़े गिर जाती है या हल्की फुल्की, तो बिल्कुल सही है, कोई इसके अंदर इशू नहीं आया। अच्छा, उसके बाद ये टॉप पे आप देख रहे हैं, ये मैंने लगाया था चार्जर। इस चार्जर में ये एक पोर्ट है आपकी 12 वाट के, या तो सिगरेट लाइटर की पोर्ट है ये, इसके अंदर 12 वाट की आप कोई भी चीज़ लगा के इलेक्ट्रिकली आप जो यूज़ कर सकते हैं इसमें, और 2 इसके अंदर ये USB पोर्ट्स हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि USB पोर्ट जो हैं, आप जब बाइक चलाते हुए इसको यूज़ करते हैं तो ये वाइब्रेशन होती है इसके अंदर, और मोबाइल चार्ज नहीं होता, तो ये यूज़लेस था मेरे लिए। इस पोर्ट को मैं यूज़ करता हूँ अपना एयर कंप्रेसर यूज़ करने के लिए, जो मेरे पास 12 वाट का एयर कंप्रेसर है टायर में हवा वगैरह भरने के लिए, तो ये उसमें यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ चार्जिंग के लिए मैं ये इसको यूज़ नहीं करता। ये आप जैसे देख रहे हैं मोबाइल होल्डर, ये यहाँ से लूज़ और टाइट होता है। अच्छा, ये मोबाइल होल्डर, इसके अंदर भी चार्जिंग की पोर्ट है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसमें चार्जिंग का दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको भी अटैच नहीं किया हुआ चार्जिंग के लिए, चार्जिंग में इसे नहीं करता, ये केबल ऐसी लटकी हुई है साइड पे, इसको अटैच नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ मोबाइल इसमें होल्ड करता हूँ। मोबाइल मुझे जब भी चार्ज करना होता है मैं पावर बैंक का इस्तेमाल करता हूँ, इनके ऊपर यूज़ नहीं करता, क्योंकि ये वाइब्रेट होती है बाइक,
और केबल हिलने की वजह से मोबाइल सही चार्ज होता नहीं है। और ये मुझे, मैंने परचेज़ नहीं किया था, ये मुझे गिफ्ट दिया था हमारे गाजी इमाम दोस्त हैं, उन्होंने गिफ्ट किया था। तकरीबन 1400-1500 रुपए का मिल जाता है मार्केट से, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 1200 या 1500 का ये भी है। और ये सब जितने भी आइटम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब रिजवान ऑटो से आपको औरंगजेब मार्केट से मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये बॉक्सेस आप देखें, ये लगाए हुए। अच्छा, इन बॉक्सेस, ये जो लगे हुए स्टड्स के क्रूज़ बॉक्सेस हैं, ये अब मार्केट में मिलते नहीं हैं। ये मैंने तकरीबन 7 साल या 8 साल हो गए इनको मेरे पास, जब मेरे पास GS 150 थी जब के लिए हुए थे, नए लिए थे मैंने, ये 5.5-6 हज़ार रुपये का पेयर लिया था, अब तो ये मिलते ही नहीं है। यूज़ में कहीं से मिल जाए आपको तो मिल जाए। और ये जो ऊपर लगा हुआ ये एटलो का टॉप बॉक्स है, ये 56 लीटर का टॉप बॉक्स है, इसमें 2 हेलमेट आराम से आ जाते हैं। और ये मैंने अकीक अंसारी से लिया था 8 हज़ार रुपये का, इसको मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये मैंने 8 हज़ार रुपये का लिया था, और एडलो का आप यहाँ मार्केट में कराची में कहीं से भी नहीं मिलेगा आपको। ये इस तरीके से इसमें सामान आ जाता अच्छा खासा, पानी की बोतलें, टूल्स वगैरह, ये सब चीज़ें। और बहुत ईजी है, सिंगल प्रेस पे आपका जो है ये निकल के बाहर आ जाता है, ये बटन आप पुश करेंगे ये बाहर निकल आएगा, और जब लगाना होगा तो आप इसको बस रखें और पुश करते हैं ऊपर, टक करके बंद हो जाता है। तो इसी एडलो के बॉक्स से मिलता जुलता JDR का बॉक्स मिलता है मार्केट में, तो वो आप लगा सकते हैं। उसकी भी प्राइस तकरीबन 8 हज़ार रुपये ही है आजकल, 56 लीटर वाले की, 56 या 44 लीटर ऐसे ऐसे ही कुछ साइज़ है। तो ये टॉप बॉक्स बहुत काम की चीज़ है, ये आपका सामान सिक्योर रहता है, वाटरप्रूफ रहता है इसके अंदर। और ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं ये मैंने स्पेशली बनवाया था, इन सारी चीज़ों की मेरी सेपरेट वीडियोस भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये मैंने राजू वेल्डिंग वर्क्स वाले से बनवाया था फ्रेम, और बहुत ही ज़बरदस्त उसने ये फ्रेम बना के दिया था, आप देख सकते हैं। मैं इसको टॉप बॉक्स लगा के मोला छोटा लेकर गया हूँ इस बाइक को, और उसके अलावा भी और बहुत सारे ऑफ रोड्स मैंने किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना कोई बैंड हुआ ना कोई इसके अंदर कोई क्रैक आया, बहुत मज़बूत है ये। और ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं इसकी फ़िटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के कि किस तरीके से अटैच हुए हैं इसके अंदर। इन्होंने ये राजू ने ही बना के दिया है मुझे, ये आप देखें अंदर हाथ से खोलने वाले इस तरह चाबी बनी हुई है, ठीक है। इस चाबी को आप लूज़ करके खोलेंगे ये डब्बा आपका बाहर आ जाएगा, ये हमारे दोनों नट खुल गए, ये इस तरीके से बाहर आ जाता है, ये बना हुआ ऐसे फ्रेम। तो ये इसकी फिटिंग है, बहुत इजी है, आराम से आप इसको लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। और मैं ज़ाहिर सी बात है जब सिटी में राइड करता हूँ तो ये बॉक्सेस मैंने निकाले हुए होते हैं, एनी टाइम लगे हुए नहीं होते। तो ये एक मॉडिफिकेशन थी जो मैंने टूरिंग के हिसाब से की हुई थी। उसके अलावा टायर हैं ट्यूबलेस, अच्छा ट्यूबलेस टायर में मैंने पहले सिर्फ रेयर का ट्यूबलेस कराया था, डायमंड टाइटन डाला था मैंने, लेकिन डायमंड टाइटन में मसला ये था कि सॉफ्ट बहुत था वो टायर, तो बार बार पंचर लग रहे थे उसके अंदर। वो मैंने फिर तकरीबन 12 हज़ार किलोमीटर शायद चलाया था उसको मैंने, और उस 12 हज़ार किलोमीटर में तकरीबन 14 पंचर शायद लगे थे उसके अंदर, वो निकाल दिया था। अब ये मैंने आगे और पीछे दोनों मैंने ट्यूबलेस डाले हुए, पीछे मैंने लोटस का डाला हुआ है 1918, और आगे मैंने डाला हुआ है ये सर्विस का रैपिड है 3.0018। इसका पैटर्न उससे ट्रैकर से मिलता जुलता है, लेकिन ये थोड़ा ऑफ रोड, ज़्यादा ऑफ रोड टायर है और बहुत अच्छा टायर है। सिर्फ एक मसला है इसमें कि ये क्योंकि ज़ाहिर है गुटके वाला टायर है, तो बाइक की चाल में थोड़ा सा जो है ना आपको जर्क सा फील होता है, मुझे तो खैर आदत हो गई है। और ये देखें, ये पिछला टायर है मेरा लोटस का। अच्छा, इसको भी मैंने तकरीबन 11 हज़ार किलोमीटर चला दिया, ये दोनों ही टायर तकरीबन 11 हज़ार किलोमीटर चल चुके हैं, और अगला तो बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि अभी तक इसमें कोई पंचर नहीं लगा है, और हवा भी मैं इसमें भरवाता नहीं हूँ, भरी रहती है, सट रहती है। पिछले टायर में मेरे तकरीबन 2-3 पंचर लग चुके हैं, और एक बड़ा मेजर पंचर था जो शुरू में ही लग गया था इसकी वॉल की साइड पे,
तो वो पंचर जो है वो हल्का हल्का लीक होता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे लगा हुआ है कि उसको रिपेयर कर नहीं सकते हम। उसको तकरीबन 3-4 दफ़ा कोशिश की है रिपेयर करने की, तो उस कोशिश के चक्कर में टायर का जो है वो शेप आउट हो गई, लेकिन वो पंचर नहीं सेट हुआ। तो खैर मैं ऐसे ही चला रहा हूँ इसको, ग्रिप इस टायर की अच्छी है, और तकरीबन 11,000 किलोमीटर के बाद ये अब थोड़ा हार्ड ज़्यादा हो गया टायर, लेकिन स्टिल अभी भी अच्छा टायर है, मसला नहीं है मुझे। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस थी जो तकरीबन 2 साल से मैंने इसके अंदर करवाई हुई हैं, कुछ नई भी थी, कुछ ज़्यादातर तकरीबन इसमें पुरानी है, 2.5 से 3 साल हो गए। एक आध चीज़ को इसमें नई होगी जो होगी, अदरवाइज सारा सामान इसमें पुराना ही लगा हुआ है और अभी तक सेट चल रही है सारी चीज़ें। सिर्फ एक ये जो चार्जिंग वाला मैंने आपको बताया ना, ये यूज़लेस हो गया मेरे लिए, क्योंकि बाइक वाइब्रेट करती है और केबल हिलने के बाद वो चार्जिंग फास्ट होती नहीं है, वो मैं फिर उसके लिए पावर बैंक यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ सारी चीज़ें बेहतरीन हैं अभी तक सेट। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस थी जो हमने अपनी बाइक में की हुई हैं, और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बेहतरीन परफेक्ट चल रही हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है मॉडिफिकेशंस के हवाले से, आई होप कि आपको पसंद आई होंगी चीज़ें, और इसके हवाले से कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। वैसे ही जितना भी सामान है तकरीबन सारा टॉप बॉक्स और जितनी भी लाइट्स वाइट्स मॉडिफिकेशन की चीज़ें हैं वो सब आपको रिजवान ऑटो से मिल जाएंगे औरंगजेब मार्केट में। हाँ, सिर्फ ये बॉक्सेस आपको अभी कहीं भी नहीं मिलेंगे, ओलेक्स वगैरह पे कहीं मिल गए यूज़ में तो मिल गए, बाकी और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।